मेरा नाम कुलवीर सिंह, गांव तिसोतरा, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। गन्ने की खेती करता हूं खास तौर से, कुछ धान, गेहूं, सरसों ये खेती भी करता हूं, लेकिन ज़्यादा जो मुख्य फसल वो गन्ना। सन 90 के आसपास से मैं पिताजी के साथ खेती कर रहा था। परिवार में पिताजी हैं, बुजुर्ग हो गए, 82 साल की उनकी उम्र होगी लगभग। 4 बेटे हैं, 2 नौकरी कर रहे हैं, 2 मेरे साथ खेती में लगे हुए हैं, 2 बहुए हैं। मैं उन बहुओं को बेटियों के समान रखता हूँ। एक पोता है, एक पोती है। बड़ा बेटा मिल में नौकरी करता था, उसने छोड़कर नौकरी खेती में आ गया। नौकरी उसने पसंद नहीं करी, मैं खेती ही करूँगा। उसका संपर्क वहाँ एक VSI यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र की, उनके वैज्ञानिक आए हुए थे, उसका संपर्क उनसे हुआ। उसने कहा कि गन्ने का उत्पादन 200 क्विंटल बीघे तक निकल सकता है, यानी 1000 एकड़ में निकल सकता है गन्ना। तो उसने कहा कि मैं तो गन्ने की खेती ही वो सहयोग करूँगा। तो हमने जब गन्ने की खेती में उसने सब साग लग गया वो, जब हमने गन्ने की खेती शुरुआत की तो 300 क्विंटल के करीब एकड़ में हमें उत्पादन मिलता था, जिसमें हमें ज़्यादा कोई अनुभव किसी फर्टिलाइज़र के या न्यूट्रेंट्स के बारे में नहीं था। एक सामान्य डोज डाल देते थे, लेकिन मन में एक जिज्ञासा बनी रहती थी कि उत्पादन कैसे बढ़ सकता। इसी बीच हमें कहीं से यारा के बारे में जानकारी मिली कि यारा एक अपना क्रॉप प्लान लाई है। तो उस क्रॉप प्लान के अनुसार जब हमने गन्ने की खेती करी तो हमारा उत्पादन 700 क्विंटल एकड़ पर पहुँच गया। गन्ने के टिलर्स मंत्र आया, गन्ना हरा भरा ज़्यादा रहा, गन्ने की मोटाई बढ़ी, गन्ने के वजन, जो पहले हमारा गन्ना करीब 700-800 ग्राम का एक होता था, वो अब 125 किलो तक कभी एक गन्ना हो रहा। एक यारा का चेकिट प्रोग्राम डिजिटल इंडिया में चलता है, जिसमें सभी कौन सी कमियाँ हैं उस वह हम देख लेते हैं, खोल कर पत्ते में कौन से डिसीज आ रहे हैं, कौन सी न्यूट्रेंट्स की कमी पड़ रही, उससे भी लाभ पहुँचा। एक तो हम जो हमने इसमें स्मार्टफोन में कुछ भी अपने भी बना रखे हैं ग्रुप, जो अब बहुत दूर दूर के उसमें किसान जुड़े हुए हैं, तो उसके माध्यम से हमने जब यारा की चर्चा की तो उसमें चारों तरफ से आवाज़ आई यारा की कि यारा ने इतना ज़बरदस्त मार्केटिंग और प्रचार करा है, उनके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि इन्हें यूज करो। तो मैंने उन्होंने अपने खेत के फोटो दिखाए तो वे देख कर लोग अचंभित रह गए, और वे रोज़ मेरे खेत पर कम से कम 10-15 आदमी बाहर के दूसरे जिलों के आते। यारा का कैल्शियम नाइट्रेट अलग चमक है उसकी, दाने बिल्कुल सब उसके एक सार हैं। हम कैल्शियम नाइट्रेट पहले भी लगाते थे, बाजार से लाते थे, वो चूरा मिलता था, पाउडर के रूप में मिलता था, तो उसकी उतना हमें वो नहीं आया। जो हमारे खेत में डालने में एक तो पूरे खेत में एक सार पड़ता क्योंकि उसके दाने बिल्कुल बरोबर हैं। उससे भी मन में एक भाव यारा के प्रति पड़ा कि उसके जो अधिकारी हैं उनकी लगन। अब हमारे खेत पर हर 8 दिन बाद में यारा का एक अधिकारी पहुंचता है, बताता है, मीटिंग करते हैं गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर एक मीटिंग करी हमने अभी पीछे। तो हमारे गांव में तो करीब सभी लोग इसका यारा का क्रॉप प्लान लगा रहे हैं और उसका लाभ भी मिल रहा है। हमारे गांव का गन्ना उत्पादन पहले 80,000 क्विंटल था मेल पर सप्लाई, आज करीब 3 लाख क्विंटल। लेकिन इस गन्ने की खेती को अगर हम ध्यान से दें और अच्छी टेक्नोलॉजी से जुड़ें तो काफ़ी इसमें सुधार की गुंजाइश है, और इसमें काफ़ी वो मेरे गांव में तो ज़्यादातर युवा गन्ने की तरफ रुझान उनका लग गया है, जो सुबह शाम तक अपने खेत पर रहते हैं, जो पहले ही ताश खेलते थे, खाली रहते थे, अब गन्ने पर लगे हुए हैं सब। यारा के बारे में तो एक बात करना चाहता हूँ कि हम जैसे पहले HMT घड़ी पर विश्वास करते थे, मर्फी रेडियो विश्वास करते थे, यारा के प्रोडक्ट पर आँख में इसका विश्वास कह सकता हूँ।